नाशिक रोड जय भवानी रोड वर फर्नांडिसवाडी येथे आग लागून मोठे नुकसान। या अगोदर भंगार दुकानाला आग लागली होती, आगीत मोठे नुकसान झाले होते। भंगार दुकानाच्या मागे स्थानिक नागरिकांची घरे असून वारंवार होत असलेल्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे। 2 दिवसांपूर्वी रात्री पुन्हा आग लागल्याने एकच धावपळ उडाली, आगीत लाखो रुपयांचे नुकसान झाले असून स्थानिकांनी रोष व्यक्त करीत कोणीतरी जाणून बुजून आग लावल्याचे आरोप महिलांनी केले आहे। अज्ञाताकडून वारंवार आग लागली जात असल्याने आमच्या जीवितला धोका असून पोलिसांनी संबंधित आरोपींवर कारवाई करावी अशी मागणी स्थानिक महिलांनी केली आहे। सुरेंद्र लोहटे, मी जय भवानी फर्नांडिस वाड़ी में रहती हूँ। हमारा शॉप है, हमारे शॉप में 9 नवंबर को किसी ने आग लगाई, हमको लगा वो एक एक्सीडेंट है। बट आज फिर से कल रात को फिर से 23 दिन के बाद किसी ने आग लगाई और कई लोग तो बच चुके, इन लोगों के घर जल गए पूरे, इन लोगों के बच्चे वगैरह सब बच गए। हम सबका इतना नुकसान हो चुका है, 8-9 लाख का हमारा हो गया, इनका 4-5 लाखों का हो चुका है। हम सबके जान को पता नहीं कौन लगा रहा है कौन नहीं लगा रहा है, बट इतना है कि कोई ना कोई तो लगा ही रहा है। तो हम सबके जान को धोखा है, इनके परिवार को और हमारे परिवार को धोखा है। मेरा नाम मेघा है, मैं जय भवानी रोड फर्नांडिस वाड़ी से बात कर रही हूँ। हमारी बंगर की यहाँ दुकान है, हमारी बंगर की दुकान को किसी ने 9 नवंबर रात को 1 बजे के करीब आग लगा दी थी। किसी ने एक्सीडेंट बोल के कुछ एक्शन लिया नहीं, कंप्लीट की थी। कल वापस से वही हादसा दोबारा हुआ, कल को किसी को कम ज्यादा हुआ या कुछ हुआ, छोटे छोटे बच्चे पिछले टाइम बच चुके थे। हमारी दुकान के पीछे इन लोगों के घर थे, उनके घर में बाल बच्चे सब थे, वो सब कैसे तो भी निकले, उनका एक कपड़ा तक नहीं बचा। इतना सब होने के बाद भी हमने छोड़ दिया, लेकिन दोबारा ये हादसा हुआ है। अभी ये हादसा, हम चाहते हैं कि पुलिस वालों ने कुछ एक्शन नहीं लिया। किसी को अगर जान का धोखा हो जाता या आगे कुछ परेशानी हो जाती तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता था। एनसीएन न्यूज साठी प्रतिनिधी जितेंद्र नरवडे, नाशिक रोड।